नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। यह बात आज सच साबित हुई जब राहुल गांधी की एक तस्वीर सियासी संग्राम की धुरी बन गई। जी हां, इसमें वो अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इल्हान अपने भारत विरोधी बयानों की वजह से लंबे समय से चर्चा में रही है। बीजेपी उन्हें भारत विरोधी और इस्लाम कट्टरपंथी नेता बताती रही है। बीजेपी ने राहुल की इस मुलाकात को बचकानी और शैतानी हरकत करार दिया है। आज इस खबर पर दिखाऊंगा डिटेल रिपोर्ट। इसके साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर युद्ध के नए एपिसोड। आखिर सीएम योगी ने इशारों किसको लेकर कहा कि ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, इनको उनकी फुटेज दिखानी पड़ती है, इस पर क्या है अखिलेश यादव का पलटवार, वो भी बताऊंगा। आज भारत की बात में आपको दिखाऊंगा एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ भगवा सैलाब की वो खबर जिसका वास्ता हिमाचल प्रदेश से है लेकिन इसने देश भर में सियासी तपिश बढ़ा दी। लेकिन सबसे पहले बात फोटो चक्रव्यूह में फंसे राहुल गांधी की। उनकी अमेरिका वाली तस्वीर पर बीजेपी का हंगामा बरपा है तो कांग्रेस कह रही है हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर कुछ गलत हुआ है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। यही वो तस्वीर है जिसे बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ अमोघ अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही। तस्वीर में काले कपड़ों में दिख रही इस महिला का नाम इल्हान उमर है। इल्हान अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। राहुल गांधी की इल्हान से मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि इल्हान अमेरिका की सियासत में पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज है। इल्हान कश्मीर की आजादी के समर्थक और इस्लामी कट्टरपंथी हैं। तो पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इल्हान को खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करने वाला करार दिया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि अभी अमेरिका में राहुल गांधी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल भारत विरोधी फेक प्रोपेगेंडा के प्रतिनिधि बन चुके हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी। भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा, जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी। राहुल गांधी जी वो देश के गोरबाचोव हैं। गोरबाचोव जो है अपनी राजनीति के चक्कर में जो सोवियत संघ था वो खंडित विखंडित हो गया, उसी तरह से भारत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी की एक बड़ी साजिश है। तभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, सोच रहे हैं कि इस तरह के ताकतों को हम समर्थन करेंगे तो शॉर्ट टर्म एजेंडा है। इसके बाद बीजेपी ने फ्रंट फुट पर धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। राहुल पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला, सोशल मीडिया पर लिखा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। राहुल गांधी पर जारी हमले की धार को बीजेपी ने एक और मुद्दे को लेकर आक्रामक कर दिया। राहुल ने अमेरिका के दौरे पर सिखों की भारत में हालत पर बयान दिया था, इसे खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साहसिक बताया। एक बयान जारी कर ये भी कह दिया कि ये पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख पर मुहर लगाता है। बीजेपी ने पन्नू के इस बयान के बाद राहुल पर हमले की धार और भी तेज कर दी। राहुल की इल्हान उमर से हुई मुलाकात को बचकानी और शैतानी हरकत बता डाला। पाकिस्तान से लेके पन्नू तक के उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। जवाब में कांग्रेस कह रही कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो एक्शन क्यों नहीं लेती।
इलहान उमर का नाम भी सुना था, हम ये जानना चाहते हैं, आप उछल रहे हैं अब? अरे आप सत्तारूढ़ दल हैं, अगर इतना ही गलत हुआ है, आज समन कीजिए अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखिए स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, देखते हैं हम भी चुनौती देते। सोमालिया मूल के इलहान का परिवार शरणार्थी के रूप में 1995 में अमेरिका आया था। 2017 में इलहान पहली बार चुनाव जीतकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य बनी और इसके बाद से अमेरिका की राजनीति की चर्चित आवाज है और वे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरोध में बयान दे चुकी हैं। और अब आपको इलहान उमर की विवादित छवि के बारे में बता देता हूं। ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इलहान उमर ने कब कब भारत विरोधी एजेंडा चलाया। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर चिंता जाहिर की। 2022 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया, भारत के ऐतराज के बावजूद पीओके गई। हिंदुस्तान ने इस दौरे की निंदा की थी, इसे देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बताया। बाद में खुलासा हुआ कि दौरे का सारा खर्चा पाकिस्तान सरकार ने उठाया था। 2022 में इलहान उमर ने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया। इसमें हिंदुस्तान में धार्मिक आजादी पर खतरे का आरोप लगाया, अमेरिकी सरकार से भारत को खास निगरानी वाले देशों की सूची में डालने की मांग की। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी बहिष्कार उन्होंने किया। 2023 में इलहान ने खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाया, पंजाब में मानवाधिकार के हालात पर चिंता जाहिर की। 2024 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या पर भारत विरोधी रुख दिखाया, अमेरिकी सरकार से कनाडा के साथ खड़े होने की अपील भी की थी। बहरहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर संग्राम का आज नया सियासी एपिसोड सामने आया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इशारों वाले हमले का सीधा जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि जब किसी गिरोह का व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह का सरगना भी स्वाभाविक रूप से परेशान होगा। इस पर अखिलेश यादव ने एनकाउंटर की जातीय जनगणना पेश कर दी, मामला गरमाया तो सीएम योगी का एक और बयान चर्चा में आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना फुटेज दिखाए गलती करने वाले गलती स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर शुरू हुई सियासी मुठभेड़ थमती नहीं दिख रही। गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। सीएम योगी के इस हमले से तिलमिलाकर अखिलेश यादव ने आंकड़ों का गणित पेश किया, एक ग्राफ जारी किया। इसका शीर्षक था फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े और नीचे पीडीए के खाने में 125 का आंकड़ा लिखा था। दावा ये कि फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों में पीडीए के 60% लोग थे। इन आंकड़ों के सोर्स का इसमें जिक्र नहीं था, आंकड़े कब से कब के हैं ये भी दर्ज नहीं था, लेकिन ये जरूर लिखा था कि भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। यानी अखिलेश ने एनकाउंटर को सीधे सीधे पीडीए से जोड़ दिया। बुधवार को अखिलेश ने फिर सोशल मीडिया पर एनकाउंटर वाले चैप्टर में नए नोट्स डाले। इसमें दावा किया कि बीजेपी राज में मुठभेड़ का पैटर्न सेट हो गया है। इसमें कुल 9 पॉइंट्स थे। लिखा था पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, और आखिर में लिखा कि भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो फुटेज की बात करते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल ही इस बात को कहा था कि भाजपा वो स्क्रिप्ट लिखने में माहिर है। मंगेश यादव इनकाउंटर का उस मुद्दे को, उन सवालों को समाजवादी पार्टी उठाती रही है। अखिलेश के इस पैटर्न वाले तूफानी हमले को सीएम योगी के उस बयान का जवाब माना गया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना फुटेज दिखाए गलती करने वाले उसे कबूल नहीं करते। ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है, और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। एनकाउंटर पर लगातार गरमाते माहौल के बीच बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी धुआंधार बैटिंग की।
समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से अखिलेश पर उन्होंने सीधा हमला बोला। 19 ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ उसको नहीं बोल रहे हैं, राजभर का हुआ, कश्यप का हुआ, बिंद का हुआ उस पर तो नहीं बोल रहे हैं, खाली यादव पर क्यों बोल रहे हो भैया? यादवों के नेता हो, औरों पर बोलो जरा, खाली यादव की लीडरशिप करते हो। बढ़ते आगे और अब बात हरियाणा की, जहां नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। इस बीच अगली विधानसभा के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नॉमिनेशन किया। हुड्डा ने दावा किया कि बीजेपी का सफाया तय है, उन्होंने राज्य में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से ही बताया। हरियाणा के दंगल में 76 साल के भूपेंद्र हुड्डा की जनता के नाम ये वो तीसरी कसम है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। भले ही कांग्रेस ने अब तक किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया हो, इसको लेकर अंदर खाने खींचतान मची हो, लेकिन हुड्डा ने रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पर्चा दाखिल करने के साथ ही जनता तक सीधा संदेश पहुंचा दिया। मैं सारे हरियाणा में घूमा हूं, हरियाणा में 36 बरादरी बन बना चुकी है, अब की बार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हुड्डा ने ताल ठोक दी है, मैदान में पूरे तामझाम के साथ उतर चुके हैं। दावा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, वोट काटने वालों को जनता भाव नहीं देगी। मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, वोट काटूंगा कोई वोट देने वाला नहीं है। दी थी वोट तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। कल हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है, इससे पहले रामविलास शर्मा का बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रगढ़ सीट से नामांकन खास चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। जिन रामविलास शर्मा की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। रामविलास शर्मा 1982 से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की राजनीति कर रहे हैं, 1987 से इस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी में काफी बड़ा नाम है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार और सरकार में मंत्री भी रहे हैं 3 बार। अब रामविलास शर्मा को टिकट ना देने के बाद पार्टी के भीतर विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत कई सीटों के बीजेपी प्रत्याशी रामविलास शर्मा के घर पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी औपचारिक तौर पर रामविलास शर्मा के नाम का ऐलान नहीं करती तो पूरे हरियाणा में नुकसान हो सकता है। पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हो, रामविलास शर्मा के नाम के सामने भोले बन जाते हैं। अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। पार्टी मानो लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा। सिर्फ बीजेपी में ही सियासी पारा हाई नहीं है, कांग्रेस में भी तापमान चढ़ा हुआ है। इस बीच पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी बात कह दी। सीएम पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर ये ना हो तो व्यक्ति जड़ हो जाएगा, पर महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। हमारा लक्ष्य पद पाना ही नहीं हो सकता। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश जो है की जा रही, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
वो हटा दिए गए हैं इन कार्यकर्ताओं द्वारा और आगे ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं संजौली की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद की तरफ जो है संजौली की तरफ जो है ये लोग जो है कूच कर चुके हैं। अब देखना यह है कि पुलिस जो है इन कार्यकर्ताओं को कितना रोक पाएगी। संजौली बाजार की ये तस्वीरें हैं। बवाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। लाठी चार्ज जो है पुलिस की तरफ किया जा रहा है इन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर। देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि पहाड़ों के प्रदेश हिमाचल प्रदेश की पहचान तो एक शांत राज्य की है, फिर वहां ऐसा आक्रोश क्यों? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में मचे कोहराम की ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान ने देखी हो? फिर क्या वजह थी कि विरोध की हुंकार से सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि ये तस्वीरें देखकर पूरा देश सन्न रहे? दरअसल सारा विवाद एक मस्जिद को लेकर है। हिंदू संगठन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद को बताते हुए उसे गिराने की मांग कर रहे हैं। दावा है कि शिमला की संजौली मस्जिद 1947 से पहले की है, लेकिन 2010 में जब पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई। अब ये मस्जिद 5 मंजिला है। हिंदू संगठनों ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ आज मस्जिद की दहलीज तक कूच किया तो हिमाचल में कानून व्यवस्था ही चरमरा। पहले आप आक्रोश की तस्वीर देखिए और उसके बाद इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताता हूं। संजौली की उस मस्जिद तक कूच करना था जिसे हिंदू संगठन अवैध बता रहे हैं। सड़क पर जन सैलाब की ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश पहली बार देख रहा था। ये दीवार जो है ये दीवार अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। बता दें इसके आगे भी तमाम प्रबंध हैं पुलिस के, एंटी रैक गियर में तमाम पुलिस है, वाटर कैनन्स हैं, लाठियां हैं और टियर गैस भी लेके चली है पुलिस जो है। पुलिस के साथ लोगों का ऐसा टकराव देवभूमि पहली बार देख रही थी। बैरिकेड जो है लगभग तोड़ दिया गया है इन कार्यकर्ताओं द्वारा और पाइप जो है ये आप देख सकते हैं इस पाइप के सहारे इन बैरिकेड्स को रोका गया था। ये पाइप जो है अब इन कार्यकर्ताओं द्वारा निकाल दी गई है और इस पाइप को निकालने के बाद अब ये कार्यकर्ता जो है इन बैरिकेड्स को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पानी की बौछार से भीड़ को खदेड़ने की कोशिश हुई। लाठियों के दम पर पीछे धकेलने की कोशिश हुई लेकिन हजारों की संख्या में आए हिंदू संगठन के लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत माता की जय।
प्रदेश की राजधानी शिमला से आई आक्रोश की ये तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां बन गई। हिंदू संगठनों ने शिमला की संजौली में बनी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन बुलाया था और हिमाचल सरकार ने मस्जिद तक भीड़ न पहुंचे इसके इंतजाम पहले से ही शुरू कर दिए थे। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 163 लागू की गई थी, जिसके तहत सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने या फिर हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन लोग नहीं माने और बुधवार सुबह से ही अलग अलग कोनों से हिंदू संगठन शिमला में संजौली मस्जिद की तरफ कूच करने लगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हजारों कार्यकर्ता पीछे हैं, इस जगह से हम 1 बजे आगे बढ़ेंगे, तब तक हमें यहीं पे आंदोलन करना है। प्रदर्शनकारियों की रणनीति ये थी कि पुलिस के सारे इंतजाम ध्वस्त किए जाएं और इसकी पहली तस्वीर शिमला की ढली टनल के पास नजर आई, जिसे पुलिस ने कई बैरिकेड को आपस में जोड़कर सील कर दिया था। कार्यकर्ता हिंदू संगठनों के पुलिस से उलझ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं, ये ढली टनल की तस्वीर है। ढली टनल जो शिमला शहर को, दरअसल शिमला का जो ऊपरी हिस्सा है, कुफरी ठियोग और ऊपरी किन्नौर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उससे कनेक्ट करती है ये ढली टनल जो है। इस ढली टनल पे पुलिस ने जो है तमाम प्रबंध कर रखे हैं इन कार्यकर्ताओं को रोकने के। ये वही रास्ता है जो संजौली की मस्जिद तक जाता है और फिर कुछ देर बाद भीड़ ने बैरिकेड को तोड़ दिया। सारे के सारे बैरिकेड जो हैं वो हटा दिए गए हैं इन कार्यकर्ताओं द्वारा और आगे ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं संजौली की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बवाल जो है शिमला में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिद के नाम पे जो है मस्जिद को जो है डेमोलिश करने की मांग ये कार्यकर्ता कर रहे हैं और अब ढली टनल पे जितना भी प्रबंध था पुलिस का उसको जो है इन कार्यकर्ताओं ने धत्ता बताते हुए आगे ये लोग बढ़ गए हैं। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन की, जो हिमाचल की राजधानी शिमला में मचे आक्रोश की तस्वीर देश को दिखा रहे थे। बैरिकेड उखाड़ फेंके गए और फिर ये भीड़ तेजी से संजौली की मस्जिद की दिशा में कूच करने लगी। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हजारों की भीड़ संजौली बाजार पहुंच चुकी थी, प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थी। तस्वीरें उस जगह की हैं जहां से मस्जिद सिर्फ 50 मीटर दूर थी और भीड़ उस आखिरी बैरिकेडिंग को भी जब तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो आप देख सकते हैं लाठी चार्ज जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां जो है चलाई जा रही हैं। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं संजौली बाजार की ये तस्वीरें हैं। बवाल जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग जो है वो किया जा रहा है, खदेड़ दिया गया है पूरी तरह से इन कार्यकर्ताओं को। जो कुछ देर बाद भीड़ फिर आगे आने लगी तो पुलिस ने वाटर कैनन यानी पानी की बौछार का इस्तेमाल करके भीड़ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये आप देखिए वाटर कैनन जो है अब इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की। छतरियां जो हैं वो भी कार्यकर्ता जो हैं हिंदू संगठनों के लेकर आए हैं, इस वाटर कैनन से बचने की कोशिश की जा रही है जो ये कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। अब आप देखेंगे एक जो पुलिस का जो बैरिकेड था उसी को लेके ये कार्यकर्ता आ गए हैं ताकि पुलिस का जो वाटर कैनन है उससे बचा जाए। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो है ये सिंबल जो है बना है यहाँ पे इस बैरिकेड के ऊपर, आप देख सकते हैं, पर कार्यकर्ता इसी वाटर कैनन के बचने के लिए इसी बैरिकेड की जो है वो ढाल बना रहे हैं। बुधवार को पूरे दिन ये सिलसिला शिमला में जारी रहा, पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही थी और भीड़ बार बार वापस आ रही। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें दोपहर 2:30 बजे की हैं, जब एक बार फिर टकराव शुरू हो गया था और इसके बाद पुलिस ने एक एक करके हिंदू संगठन के नेताओं को हिरासत में लेने का काम शुरू कर दिया। संजौली की मस्जिद को लेकर पहली बार शिकायत साल 2010 में हुई थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, तो फिर सवाल यह है कि अगर मामला इतना पुराना है
तो अचानक हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर हाहाकार क्यों मच गया? दरअसल 31 अगस्त को दो समुदायों के बीच मारपीट हुई थी। एक समुदाय के लोगों ने स्थानीय व्यक्ति को पीट दिया था। युवक की पिटाई के विरोध में हिंदू संगठन भड़क गए और सबसे पहले 1 सितंबर और फिर 5 सितंबर को प्रदर्शन हुआ था। लेकिन बवाल यहीं तक क्यों पहुंचा, उसकी जड़ें समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद यही शिमला के संजौली की वो मस्जिद है जिस पर हिमाचल प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। सामने जो ग्रीन छत जो है, हरी छत वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, जिसमें अलग डिज़ाइन जो है खिड़कियों के ऊपर बना हुआ है, ये वही मस्जिद है जिसको लेकर दरअसल विवाद है। ये 5 मंजिला मस्जिद जो है, इसी की कंस्ट्रक्शन को लेकर सारा विवाद जो है चला है। हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद अवैध है, इसलिए गिराई जानी चाहिए। मस्जिद जो है, अब प्रशासन ने इसको चारों तरफ से जो है पुलिस फोर्सेस लगा के जो है इसको सिक्योर किया है, ताकि कोई जो है जो मिस्किएंट्स जो हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो जो हैं वो पहुंच ना पाए मस्जिद तक, जो है मस्जिद को नुकसान ना पहुंचा पाए। आरोप लगाया जा रहा है कि संजौली के पौश इलाके में बिना इजाजत और बिना नक्शा पास किए 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं और आरोप है कि इनकी हरकतों से इलाके का माहौल खराब हो रहा है। ये जितने भी घुसपैठिए हैं, ये ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या टाइप के लोग यहां पे आ रहे हैं और बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं। छोटी छोटी बात पर ये लड़ने को, यहाँ के लोकल लोगों के साथ ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हिंदू संगठन पहले से ही मस्जिद के खिलाफ थे, लेकिन विरोध की इस आग में चिंगारी का काम उस विवाद ने किया जब समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू युवक की पिटाई कर दी। ये जो विवादित ढांचा इस वक्त संजौली में बन रहा है, पिछले 2 से 4 साल के भीतर में यहाँ पर इसको 1 मंजिल से अनधिकृत तरीके से इसको 5 मंजिल का कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये प्रशासन से, पुलिस से ये मांग करते हैं, इनकी गुंडागर्दी यहाँ पे खत्म की जाए, इन गुंडा तत्वों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ये बाहर से आके कैसे यहाँ बस रहे हैं, इनके आधार कार्ड जितने भी आ रहे हैं सारे 1-1-2000 नाम से ही छपे हुए आधार कार्ड है। आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी इसी मस्जिद में जाकर छिप गए थे और इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया और मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराने की मांग तेज कर दी थी। 2 सितंबर को लोगों ने संजौली की मस्जिद के सामने पहुंचकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। ग्यारह की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 65,32,000 है, जबकि मुस्लिम आबादी 1,49,000 के आसपास। 10 साल के भीतर प्रदेश में हिंदू आबादी 13% बढ़ी है, जबकि मुस्लिम आबादी में 25% का इजाफा हुआ है। एबीपी न्यूज ने मस्जिद के इमाम से बात की तो उनका कहना है कि मारपीट के मामले में अलग से कार्रवाई होनी चाहिए, इसे मस्जिद से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? जो मलियाना में झगड़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ तक झगड़ा पहुँच गया, मस्जिद को साथ इसको जोड़ा गया, ये बड़े अफसोस की बात है। जो झगड़ा था उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई है, प्रशासन ने कार्रवाई की, FIR वगैरह हो गई है। शिमला की संजौली मस्जिद के इमाम ने बताया कि ये मस्जिद साल 1947 यानी आजादी के पहले बनी थी और तब ये मस्जिद कच्ची थी और टिन की थी। ये मस्जिद पुरानी मस्जिद है, 1947 की पहले से ही मस्जिद है, कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, मसलन टीन वगैरह का, पहले जैसे घर होते थे। ये तो RCC का तो अब चला है। बवाल भी इसी बात पर है कि कच्ची मस्जिद आखिर 5 मंजिला की पक्की इमारत में कैसे और किसकी इजाजत से तब्दील हो गई। इस पूरे बवाल पर हिमाचल की सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में बयान देकर कहा था कि मस्जिद अवैध है और जमीन पर हिमाचल सरकार का मालिकाना हक है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं,
जो बांग्लादेश से आए उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको, रॉबरी आज संजोली बाजार में, छोड़ो परे लोअर बाजार में, लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा। सुक्खू के मंत्री के बयान ने कांग्रेस पार्टी को असहज कर रखा है और अब शिमला के संजौली की ये मस्जिद देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है, फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। मस्जिद का मुद्दा हिमाचल प्रदेश के सदन के भीतर भी गूंज रहा है और अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। लेकिन शिमला के मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी हैं। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। इस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि हिंदुओं और स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान होना चाहिए। खास बात यह है कि राजधानी शिमला में केवल 2.5 मंजिल ही बनाने की इजाजत होती है, जबकि संजौली की मस्जिद 5 मंजिला बन चुकी है। नगर निगम के कोर्ट में मामले की सुनवाई अगली तारीख 5 अक्टूबर तय की गई है। फिलहाल भारत की बात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ABP News आपको रखे आगे।